फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रीना किचन पॉइंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इमली की खट्टी मीठी चटनी। जी हाँ, इसे हम सौंठ के नाम से भी जानते हैं। और ये जो चटनी है, इसे समोसे, पकोड़े और दही बड़ों के साथ सर्व किया जाता है। इस चटनी को हम तीन तरीके से बना सकते हैं, गुड़ के साथ, चीनी के साथ और गुड़ चीनी दोनों को यूज करके। तो जो गुड़ वाली चटनी है वो मैंने पहले अपने चैनल पर ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये है चीनी से बनने वाली इमली की चटनी। और इस रेसिपी को बहुत ही सिंपल इजी तरीके से बनाया जाता है। आप इस रेसिपी को देखिए और एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए दिखाते हैं किचन में इस रेसिपी के लिए किन किन सामानों की जरूरत है। हलवाई की तरह इमली की बहुत ही स्वादिष्ट सी खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए चीनी। आधी किलो मैंने चीनी ली है। आप इसे गुड़ के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम चीनी के साथ बनाने वाले हैं। इमली 100 ग्राम इमली, किशमिश ये हमने छुआरे लिए हैं बड़े वाले और इनके बड़े बड़े पीसेस लंबे कर लिए हैं पतले, खरबूजे के बीज, नमक, फूड कलर, ये रेड फूड कलर है एक पिंच लिया है, इसे ये है सौंठ। सौंठ मतलब कि जो अदरक को सूखा हुआ पाउडर बनता है उसे सौंठ कहा जाता है, तो ये हमने सौंठ लिया है। गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इमली की खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट सी चटनी बनाना। चलिए, तो सबसे पहले जो इमली है ये सूखी हुई है, तो इसे हम तोड़ के और इसे पानी के अंदर भिगो देंगे जिससे कि ये फूल जाए। तो ये लीजिए, ये इमली को मैंने तोड़ दिया है और थोड़े से पानी को गर्म करके और उस पानी को में हम इस इमली को भिगोएंगे। इसमें अभी मैं गर्म पानी डाल रही हूं और ये गर्म पानी के अंदर इसे हम भिगोएंगे तो बहुत ही जल्दी से फूल जाएगी। चलिए, इसे 5-10 मिनट के लिए हम इसमें भीगे रहने देते हैं जिससे कि जल्दी से फूल जाए। 10 मिनट भीगने के बाद इस इमली को हम अच्छे से हाथों से मलेंगे जिससे कि गुठली और गुदे से ये जितना भी पल है वो अलग हो जाए। तो ये हमने अच्छे से मल लिया है। अब इसके बाद हम एक दूसरा कटोरा यानी कि बाउल लेंगे और छन्नी लेंगे क्योंकि इसे हमें छानना है। ये देखिए, नीचे जो है इसका इमली का सारा रसा, सारा खटास जो है इस पानी के अंदर चली जाएगी। इसके अंदर सारा पल जो था वो यहाँ निकल चुका है। जो एक्स्ट्रा की चीजें थी जैसे बीज वगैरह जाली तो वो ऊपर रह गई है, इसे हमें यूज नहीं करना है, हमें यूज करना है नीचे बाउल में जो है। तो चलिए, अभी से हम साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना। गैस की फ्लेम ऑन करके हम रखते हैं सबसे पहले कढ़ाई, और कढ़ाई में हम पानी डाल देंगे 1 गिलास। पानी गर्म हो चुका है तो पानी में हम ये चीनी डाल देते हैं जो हमने चीनी ली है। चीनी को थोड़ा सा मेल्ट कर लेते हैं। चीनी मेल्ट हो चुकी है तो अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे इमली। जो ये हमने इमली ली है एक गुदा, इसके अंदर हमें सारा डाल देना है पल को, इसमें इमली का टेस्ट आ जाए। और इसे फिर एक बार मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम बाकी की चीजें भी साथ में ही ऐड कर देंगे, जैसे कि ये फूड कलर। फूड कलर आप अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर आपके पास हो तो आप यूज कीजिए, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा कलर आता है। ये देखिए, फूड कलर डालने से तुरंत इस चटनी का जो कलर है वो बिल्कुल जैसे मार्केट की चटनी का होता है इस तरीके से हो गया है। नहीं तो आप कश्मीरी मिर्च का यूज करेंगे तो भी इसका कलर काफी अच्छा जाएगा। अब इसमें डाल दूंगी मैं 1 चम्मच मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए, और नमक आधी छोटी चम्मच के करीब, नमक, सौंठ। सौंठ भी हम बहुत थोड़ी सी यूज करेंगे क्योंकि सौंठ से तीखा हो जाता है थोड़ा। और इसके बाद गरम मसाला, आधी छोटी चम्मच। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने
करने के बाद इसे हम थोड़ा सा अच्छे से पकने देते हैं, जिससे कि पानी और चाशनी जो है ये अच्छे से तैयार हो जाए। अगर आप गुड़ की चटनी बनाएंगे ये इमली की खट्टी मीठी, तो गुड़ की में तो आपको बिल्कुल भी फूड कलर यूज करने की जरूरत नहीं है, उसमें तो ऑटोमेटिकली गुड़ की वजह से बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है। तो इस चटनी को हमने 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाया है, उबाला है, जिससे कि ये गाढ़ी हो जाए और जिसका टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा सभी मसालों का चीनी और पानी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मेन चीज इसके पानी है जो कि अच्छे से पकना चाहिए, तभी ये अच्छे से चटनी तैयार होती है। और फूड कलर हमने इसमें इसलिए यूज करा है क्योंकि हमने कहा है आपको कि हम इसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बताएंगे, इसलिए हमने फूड कलर का यूज करके आपको दिखाया है। चटनी को सही तरीके से चेक करने के लिए इस तरीके से एक तार सा बनना चाहिए चटनी के साथ, ये देखिए, तो यानी कि हमारी चटनी बिल्कुल परफेक्टली तैयार है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप गाढ़ी करेंगे तो ये रखने के बाद कहीं जम नहीं जाए, इसलिए हम इसे रखने का थोड़ी गाढ़ी ऑलरेडी हो जाएगी, लेकिन ज्यादा भी गाढ़ी नहीं करनी है हमें, तो हम गैस की फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे क्योंकि चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो गई है। और इसमें हम बाकी की चीजें ऐड कर देते हैं जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि किशमिश और छुआरे इसके अंदर हम डाल देंगे, जिससे कि थोड़ी से गर्म में ही ये फूल जाए, और खरबूजे के बीज। तो लीजिए, इमली की खट्टी मीठी चटनी तो बनके तैयार है। इसे थोड़ा सा ठंडा करके और फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं इमली की खट्टी मीठी चटनी। लीजिए फ्रेंड्स, तो ये इमली की खट्टी मीठी बहुत ही स्वादिष्ट सी चटनी बनके तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट होती है और इसे आप समोसे, पकोड़े या दही बड़ों के साथ, किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इस चटनी की खास बात यह है कि इसे आप 6 से 7 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस चटनी को आप अगर गुड़ के साथ बनाना चाहते हैं तो गुड़ की रेसिपी भी मेरी वीडियो पे ऑलरेडी है, आप उसे जाके चेक कर सकते हैं, उसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।